हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिकल मेथड या सांख्यिकी विधियाँ, और सांख्यिकी विधियों में हमारा टॉपिक चल रहा है समानांतर माध्य या अरिथमेटिकल मीन। समानांतर माध्य में हम लोग अब तक व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी को पढ़ चुके हैं, और हम लोग पढ़ रहे हैं अखंडित श्रेणी या अवच्छिन्न श्रेणी। तो हमने अखंडित श्रेणी के दो विधियाँ पढ़ ली थी, उसमें प्रत्यक्ष विधि और हम लोगों ने लघु विधि पढ़ ली हैं, और आज हम लोग पद विचलन विधि को पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो सीरियलिटी से सभी सांख्यिकी विधियों के वीडियो मेरे इस YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं, तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो आइए हम लोग आज का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित अखंडित या अवच्छिन्न श्रेणी से पद विचलन से समानांतर माध्य की गणना कीजिए। यहाँ कुछ आंकड़े दिए गए हैं, तो आंकड़ों में आप देख पाएंगे लिखा हुआ है प्राप्तांक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। छात्रों की संख्या दी गई है 40, 30, 35, 25 और 20। तो जब हम लोग पद विचलन को ज्ञात करते हैं तो पद विचलन में इसको सॉल्व करते समय यहाँ पे दो कॉलम तो हमारे पास ऑलरेडी होते हैं, और यहाँ हम पांच कॉलम बनाते हैं, यानी कि तीन कॉलम हम अपनी ओर से इनको बनाते हैं। तो पहला कॉलम है प्राप्तांक, जिसको वर्गांतरल या इंटरवल भी कहा जाता है। दूसरा कॉलम होता है मध्यमूल, जो कि इस प्राप्तांक से बनाया जाता है। तीसरा है विद्यार्थी संख्या, जो हमने यहाँ से लिया है। प्राप्तांक संख्या हमने यहाँ से ली है और छात्रों की संख्या, विद्यार्थी संख्या हमने यहाँ से ली है। अब आप देखिए कि सबसे पहला कॉलम है प्राप्तांक या वर्गांतर, इसमें 0 से 10, 10 से 20 ये नंबर दिए गए हैं। अगला है मध्यमूल, तो मध्यमूल आप जानते होंगे कि दो संख्याओं के बीच की जो संख्या होती है उसे मध्यमूल कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि 0 और 10 के बीच की संख्या होती है 5, वैसे ही 10 और 20 के बीच की जो संख्या होती है 15, या कोई संख्या कठिन दी गई है तो आप क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं और दो का भाग देते हैं, तो उससे हमें मध्यांक संख्या निकल के आ जाती है। जैसे आप समझें कि 10 और 20 टोटल 30 हो गया, 30 में आप जब दो का डिवाइडेशन करेंगे तो 15 हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि मध्य वैल्यू को निकाल लेते हैं या जो मिड वैल्यू उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो ये मध्य वैल्यू या मध्य मूल्य इससे प्राप्त अंकों से बन जाती है। तीसरा जो कॉलम दिया गया है वो है विद्यार्थी या छात्राओं की संख्या, इसको आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। जैसे यहाँ कॉलम में देखिए छात्र संख्या 0 से 10 में कितनी है 40, तो हमने यहाँ 40, 30 दी गई है तो 30, 35, 25, 20 यहाँ से हमने पूरा इसको ले लिया। इसके बाद में जो अगला कॉलम हमने बनाया है वो कल्पित माध्य, हमें एक वैल्यू लेनी पड़ती है कल्पित माध्य। आप यहाँ जो कल्पित माध्य की जो वैल्यू होती है वो हमें यहाँ से एक्स में से लेनी होती है, तो कल्पित वैल्यू हम कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक कल्पित की वैल्यू 25 ले रखी है, ये जो वैल्यू है मैंने इस वैल्यू को यहाँ पे कल्पित वैल्यू में ले लिया है, तो एक की वैल्यू मैंने रखी 25। अब इसी में हम इसको जब ज्ञात करते हैं तो पद विचलन, यानी कि जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ x माइनस ए अपॉन आई, या i यानी अंतराल या इंटरवल, यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम इस वाले कॉलम को बनाते हैं तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू लेते हैं यहाँ से, माइनस जो वैल्यू हमने पद विचलन में यहाँ कल्पित माध्य में ले रखी है 25 जैसे, तो 25 रख लेते हैं बट्टे 10। अब ये जो i का मतलब 10, यानी आप यहाँ देखेंगे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यहाँ 10 10 का अंतराल है तो यहाँ हम लोग 10 रख लेते हैं। जिस इस जो ये जो कॉलम होता है इसको हम लोग डी कोमा कह देते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे किया है देखिए कि एक्स की वैल्यू हमने रखी 5 माइनस 25, ये 25 वैल्यू यहाँ से आई है, ए की वैल्यू कल्पित माध्य हमने ले रखी थी, अपॉन 10,
दस कहाँ से इंटरवल, 0 से 10, 10 से 10 का इंटरवल है, इसको आई कहते हैं, अंतराल कहते हैं, तो हमने रखा 10। तो अब आप यहाँ देखेंगे जब 25 में से, अब तो एक तो 25 संख्या है वो बड़ी संख्या है जो कल्पित वैल्यू की है, लेकिन जो x की वैल्यू ये छोटी है, तो आप देखेंगे कि 25 संख्या बड़ी है और ये जो वैल्यू है x की वो छोटी है। तो जब आप लोग घटाएंगे 5 को 25 में से, तो यहाँ माइनस के 20 बचेंगे, और माइनस के 20 में जब आप 10 का भाग देंगे तो दो बार जाएगा, तो हमने लिख दिया माइनस के 2। ऐसे आप अगली वैल्यू को देखेंगे कि यहाँ पे 15 संख्या दी गई है x की, और यहाँ माइनस कल्पित वैल्यू हमने ले ली यहाँ से 25 बट्टे 10, ये जो इंटरवल अंतराल है उसको रख लिया। अब 25 वैल्यू आप देखेंगे कि बड़ी है, 15 छोटी है, तो माइनस के 10 बचेगा और बट्टे 10, अब 10 का भाग 10 में देंगे तो माइनस का 1। यहाँ पे देखिए कि संख्या 25 है, कल्पित वैल्यू भी 25 दे रखी है, बट्टे 10, तो 25 में से 25 जाएगा तो 0, जब आप इसको प्राप्त करेंगे 10 का भाग देके तो 0 आएगा। आगे आप देखिए कि यहाँ 35 दिया गया है, तो हमने यहाँ 35 लिख लिया है, और माइनस कल्पित वैल्यू जो हम लोगों ने मानी थी वो 25 थी। अब आप देखिए कल्पित वैल्यू छोटी है और यहाँ पे जो मध्य वैल्यू है वो कैसी है, बड़ी है, 35 संख्या बड़ी है, तो प्लस के 10 बचेंगे। अब प्लस के 10 में आप 10 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो हमने लिख दिया प्लस के 1। ऐसे ही यहाँ पे 45 माइनस 25 तो प्लस के 20 बचेंगे, 20 में भाग देंगे 10 का तो प्लस के 2 आते हैं। तो इस प्रकार से ये टेबल हमें प्राप्त हो जाती है, जिसे हम लोग डी कॉमा कह देते हैं। अगली है एफ डी कॉमा। तो एफ आप देखिए कि एफ ये वाली है फ्रिक्वेंसी। अब डी कॉमा की वैल्यू ये वाली आई है हमारी निकल के, -2, -1, 0। अब हमें करना ये होगा कि यहाँ पर गुणा करना है हमें किसका, एफ डी का, यानी एफ का गुणा किससे होगा, डी से होगा। तो देखिए हमने यहाँ वैल्यू रखी, देखिए डी की वैल्यू कितनी आई, -2 × 40, यहाँ से एफ की वैल्यू ली, तो माइनस के 2 ये 40 तो बराबर -80। ऐसे आगे देखेंगे तो -1 है, ये 30 है तो -30 हो गया, ये 0 है, ये 35 है तो ये 0 हो गया, ये प्लस के 1 है, देखिए ये 25 है, तो प्लस के 1 का गुणा जब आप 25 में करेंगे तो प्लस के 25। ऐसे ये प्लस के 2 हैं, ये 20 हैं, तो आप इसका जब गुणा करेंगे तो ये प्लस के 40 आएगा। यहाँ तक हमारी समझ में आ गया। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो संख्या दी गई होती है एफ डी कॉमा वाली, इसको हम लोग क्या करते हैं कि आप यहाँ देखेंगे कि माइनस की संख्याएँ हैं और प्लस की संख्याएँ हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये माइनस की संख्या दी गई हैं दोनों, -80 और -30, इन दोनों का जो कुल योग करेंगे, तो मैंने लिख दिया है वैसे यहाँ, तो 110 होता है। जब आप प्लस को करेंगे तो प्लस को देखेंगे तो प्लस के होते हैं 65। तो माइनस के तो 110 हैं और प्लस के 65 हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि माइनस की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ नीचे जब हम सिग्मा एफ डी कॉमा लगाएंगे, सिग्मा यानी कुल योग और एफ डी कॉमा ये जो वैल्यू का जब आप कुल योग करेंगे तो माइनस के 45 होंगे। क्यों? क्योंकि माइनस के जो संख्या है आप देखेंगे कि ये माइनस की ज़्यादा है, प्लस की कम है, तो जो संख्या बचेगी वो माइनस की होगी। तो हमारी वैल्यू आ जाती है सिग्मा एफ डी कॉम बराबर -45। अब ये जो फ्रिक्वेंसी दी रखी है, इसको हम लोग नंबर भी कह देते हैं, टोटल नंबर। तो इसको एन की, इसका कुल योग जब करेंगे और कुल योग जो हमें प्राप्त होगा उसे एन की वैल्यू कहें, या आप सिग्मा एफ के द्वारा भी इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो एन बराबर या सिग्मा एफ बराबर इसका टोटल है 150। तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे 4 वैल्यू हैं। 4 वैल्यू में आप लोग देखेंगे, एक वैल्यू तो हमारे पास एन की है 150, एक वैल्यू हमारे पास सिग्मा एफ डी कॉमा की है -45 है, एक हमारे पास वैल्यू है ए की 25 है, और एक हमारे पास अंतराल है जो कि 10 है, 10 का अंतराल इसमें दिया गया है। अब आप क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें इस फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। तो इसका फॉर्मूला दिया गया है समानांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू आई। तो ये जो फॉर्मूला दिया गया है और इसके द्वारा हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
तो ए की वैल्यू कितनी है, मैंने आपको बताया था यहाँ से दे रखी है इसने, कितनी दे रखी है 25, तो ये कल्पित वैल्यू हमने यहाँ से ली 25 प्लस एफ डी कोमा की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो देखो सिग्मा एफ डी कोमा की वैल्यू -45, तो यहाँ लिख दिया मैंने -45 अपॉन एन, एन की वैल्यू कितनी है 150, हमने 150 लिख दिया, इंटू आई अंतराल इंटरवल कितने का है, तो आप देखेंगे 10-10 का इसमें इंटरवल दे रखा है, तो यहाँ 10 लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 25 का तो 25 लिख लिया, अब आप देखो 10 का जब गुणा करेंगे -45 में तो ये आएगा -450, इसको जब आप करेंगे तो माइनस कि कितना आएगा 450, और 150 का भाग देंगे जब आप लोग 450 में तो ये आएगा -3, तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है 25 -3, क्यों माइनस का आया, तो अब 25 में से हम लोग यहाँ 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 22, तो हमने लिखा हुआ है इसलिए माध्य प्राप्तांक बराबर 22 होगा। तो इस प्रकार से ये हो गया आप लोगों का समांतर माध्य का अखंडित या अवचिन्न श्रेणी से पद विचलन। तो अब तक हम लोगों ने यहाँ आप लोग देखेंगे कि इसको कंप्लीट कर लिया है समांतर माध्य की, आप लोगों को मैंने लगभग 7 विधियाँ आपको पढ़ा दी हैं, जिसमें मैंने आपको व्यक्तिगत श्रेणी की 2 विधियाँ, जिसमें मैंने आप लोगों को खंडित श्रेणी की 2 विधियाँ और अखंडित श्रेणी की 3 विधियाँ आपको पढ़ा दी हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे देखें, आपको पूरा के पूरा समांतर माध्य है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।